हरियाणा के पानीपत में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बड़ा हादसा हो गया। मासूम वाटर पार्क में नहाते वक्त पानी में डूब गई। 6 वर्षीय हितेशी अपने स्कूल की तरफ से 60 बच्चों के ग्रुप में वाटर पार्क में नहाने के लिए गई हुई थी। बच्ची के साथ उसकी बड़ी बहन और माँ भी गई हुई थी। दोनों बहनें और माँ वाटर पार्क में नहा रही थी। इसी दौरान हितेशी की माँ और उसकी बड़ी बहन वॉशरूम के लिए चली गई। वापस लौटी तो हितेशी को लोग पानी से निकाल कर जमीन पर लेटा रहे थे। मुझे अपने बच्चे के बारे में कल खबर जो मिली 3 बजे, वो हॉस्पिटल से मिली कि मेरी गुड़िया नहीं रही। जिसकी जानकारी मुझे सब यही मिली कि आप मेरी गुड़िया नहीं रही। वो कल पिकनिक कह लो, वाटर पार्क में घूमने के लिए कह लो, जिस भी पर्पज़ के लिए गई थी, वो वहाँ से जीवित नहीं लौटी। इसमें स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही रही है और वाटर पार्क वालों की लापरवाही रही है। कुछ बताया कि क्या हुआ था वहाँ मौके पे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया मौके पे कैसे क्या हुआ। हमें तो बस हॉस्पिटल में आके ये पता लगा, जब मैं पहुँचा तो मेरी बच्ची जा चुकी थी। बस मैं तो उसको देख के स्तब्ध था। मुझे यकीन नहीं था मेरी गुड़िया मेरे कंधे पर पड़ी हुई है और वो जा चुकी है। बड़ा परेशान हूँ मैं। क्या प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त दोनों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको उचित से उचित दंड दे और आगे वाटर पार्क वालों की भी थोड़ी अकल आए। वो हर छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराए। कोई नहीं, मेरी गुड़िया चली गई, कोई नहीं, और बहुत है, लाखों बच्चे हैं जो सबके प्यारे हैं, माँ बाप के प्यारे हैं। तो उस स्कूल वाले अभी तक मेरे घर भी नहीं पहुँचे। कोई भी लेडीज टीचर, जेंट्स टीचर, कोई भी अभी तक नहीं आया। कोई फीस ली गई थी स्कूल की तरफ? 600 रुपये पर हेड फीस ली गई है। बिना पैसे कौन नहीं जा रहा? तो लापरवाही तो वाटर पार्क की भी है, वाटर पार्क की भी है। उन्होंने वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे कोई सुविधा ना, वहाँ पर एम्बुलेंस थी ना कोई व्हीकल थी। ऑन द स्पॉट कैसे क्या हो, तो CCTV फुटेज देखने से ही पता लग सकता है कि मामला क्या है। किसी ने बताया नहीं बच्चे कैसे डूबी, अकेली रह गई? ऐसा कुछ नहीं, किसी ने मेरे को बताया। मेरे को बस ये कि CCTV फुटेज की भी हमें दिखाई जाए। पुलिस की माने तो मासूम ने डूबने से मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं परिवार की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक मासूम के पिता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। पिता ने रो रोकर बताया कि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए स्कूल स्टाफ के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ वाटर पार्क प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की गलती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। ये सर, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई वाटर पार्क से स्कूल के जो टूर गया हुआ था वाटर पार्क में नहाने के लिए, तो वहाँ बच्ची का बता रहे थे कि वो बच्ची वाटर पार्क में नहाते वक्त डूब गई है। तो फिर हमें रेनबो हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे एक छोटी हितेशी नाम की लड़की 6 साल की एक्सपायर हो चुकी है। तो हमने सूचना पर वहाँ मौके पर हॉस्पिटल में जाके देखा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गए। जो उसके पिताजी उसके मौके पर मौजूद थे हॉस्पिटल के, उन्होंने एक दरख्वास्त लिख के दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। किसके खिलाफ किया सर? स्कूल प्रबंधन सर, इन्होंने लिख के दिया है उसमें कि भाई स्कूल की लापरवाही और वाटर पार्क वालों की लापरवाही के कारण ये सब हादसा। टीचर से बात की सर, कैसे हुआ ये हादसा, कुछ पता लगा कि बच्ची अलग? सर, अभी तो पोस्टमार्टम करने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तो FIR दर्ज हो गए, पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। अब ऐसे में सवाल स्कूल प्रबंधन के साथ साथ वाटर पार्क प्रबंधन पर भी उठते हैं। किंगलैंड वाटर पार्क की जिम्मेदारी थी कि वहां पर आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा में तैनात रहें। पानीपत के सौदापुर रोड स्थित किंगलैंड वाटर पार्क में जाने की बच्चों की फीस 500 रुपए बताई जा रही है। अब इतनी फीस देने के बावजूद भी आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये सवाल खड़ा होता है। और प्रशासन को ऐसे वाटर पार्क प्रबंधन पर कार्रवाई करनी चाहिए।